हेलो दोस्तों, आपका इस नई वीडियो में स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली की एक बड़ी मशहूर जगह, और मैं तो कहूँगा दिल्ली के जो जितने भी मॉन्यूमेंट है उसमें जो सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट है वो है हुमायूंस टॉम्ब। ये देखिए, जो हुमायूंस टॉम्ब है हम इसको दिल्ली का ताज भी कह सकते हैं, क्योंकि जो ताजमहल है उसकी जो इंस्पिरेशन है वो हुमायूंस टॉम्ब से ही ली गई है। हुमायूंस टॉम्ब और ताजमहल में सिर्फ इतना फ़र्क है कि उसमें चारों तरफ चार मीनारें हैं, हुमायूंस टॉम्ब में वो मीनार नहीं है। नहीं तो जो उसका मेन जो डिज़ाइन है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, वो बिल्कुल सेम है, और वो वाइट मार्बल से बना है, ये रेड सैंडस्टोन से बना है, ये फ़र्क है। इसके अलावा इसको हम ताज भी कह सकते हैं, दिल्ली का ताज। अगर आप हुमायूंस टॉम्ब आना चाहते हो तो जो सबसे कन्वीनियंट वे है यहाँ पे आने के लिए वो है मेट्रो, और जो यहाँ से नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन, एंड जो सेकंड है वो है जोरबाग मेट्रो स्टेशन। और बाय अगर आप बस आना चाहते हैं यहाँ पे, तो जो यहाँ का जो नियरेस्ट बस स्टैंड है वो है हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह बस स्टैंड, क्योंकि यहाँ से जो हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह है वो बहुत ही पास है, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है हुमायूं टॉम्ब। हुमायूं टॉम्ब जो है ये सुबह 6 बजे से लेके और शाम को 6 बजे तक खुलता है, और ये 7ों दिन खुलता है, किसी भी दिन बंद नहीं होता। और इसका जो टिकट की जो प्राइसिंग है वो है 35 रुपये, अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करेंगे तो 35 रुपये है फॉर इंडियन सिटीज़न, और अगर आप यहाँ पर बाय हैंड लेंगे तो 40 रुपीज़ है, और फॉरेन नेशनल्स के लिए है 550 अगर बाय हैंड लेंगे, और बाय हैंड लेंगे तो 600, और बाय अगर वो नेट से बुक करेंगे तो 550। तो नेट से बुक करने में फ़ायदा है, और जो नेट की जो साइट है वो दिल्ली टूरिज़म की, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिस पर आप जाकर और यहाँ की टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। तो ये अगर यहाँ पर बाय चांस भीड़ भी हो या क्यू लगी हो तो आप में आपको उसमें लगने की भी ज़रूरत नहीं है, और अगर आप अपने कन्वेंस से भी यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर पार्किंग स्पेस काफ़ी सफिशेंट है, तो आपको पार्किंग की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी अपनी कार को पार्क करने में। तो यहाँ पर यही है टिकट का जो मैंने आपको प्राइस बताया, तो मैं यही कहूँगा कि ऑनलाइन बुकिंग करने में फ़ायदा है, बेटर है अगर आप ऑनलाइन बुक करेंगे अपनी टिकट। तो वैसे तो हुमायूं टॉम्ब का जो टाइमिंग है वो है सुबह 6 से शाम को 6, लेकिन अगर आप शाम को भी आना चाहें तो हुमायूं टॉम्ब में आ सकते हैं, और रात को 9 बजे डेली यहाँ पर लाइटिंग होती है, उस लाइटिंग में हुमायूं टॉम्ब का एक भव्य नज़ारा होता है, अलग ही देखने का वो होता है। तो आप रात को भी अगर आना चाहते हैं तो रात को 9 बजे तक आप यहाँ पर आ सकते हैं देखने के लिए। ये हुमायूं टॉम्ब में एक छोटा सा म्यूज़ियम बनाया हुआ है जिसमें इसके बारे में बताया हुआ है सारा, टाइम के हिसाब से कैसे कैसे इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। ये इसका पूरे कॉम्प्लेक्स का मॉडल है, आपको इसमें दिख ही रहा हो कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये हुमायूं टॉम्ब कॉम्प्लेक्स जो है मॉडल में। ये बीचों बीच हुमायूं टॉम्ब है, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि हुमायूंस टॉम्ब की जो डिज़ाइनिंग है वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू ताजमहल है। ताजमहल की इंस्पिरेशन हुमायूं टॉम्ब है क्योंकि ये पहले बना था, और जैसे ताजमहल है उसमें अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक फाउंटेन्स देखने को मिलेंगे लाइन से, तो हुमायूं टॉम्ब में भी ऐसे ही ये फाउंटेन के लिए बनाया गया है। ये इधर देखिए, ये सब ये रहा ऐसे, और स्ट्रेट ऐसे ही बिल्कुल डिज़ाइनिंग वहाँ सामने गेट से उधर से ऐसे आते हुए, और ये सीधा आके और ये सीधे वहाँ पे सामने हुमायूं टॉम्ब की बिल्कुल सेम डिज़ाइनिंग है। लेकिन यहाँ पे एक फ़र्क है, जो ताजमहल है उसमें जो ये डिज़ाइनिंग है ओनली फ्रंट साइड में है उसके, उसके साइड में और बैक साइड में नहीं है, लेकिन हुमायूं टॉम्ब जो है इसमें ये चारों तरफ, जैसे जो ये पीछे पार्क दिख रहा आपको ऐसे पार्क चारों तरफ सिमेट्रिकल सेम, टोटल 8 पार्क हैं हुमायूं टॉम्ब में ऐसे सिमेट्रिकल हुमायूं टॉम्ब के चारों तरफ। तो जो इसकी डिज़ाइनिंग है उससे और थोड़ी बेटर ही है, वो बात अलग है कि ताजमहल थोड़ा ज़्यादा मशहूर है, लेकिन मैं इसको दिल्ली में जो मॉन्यूमेंट्स जितने भी हैं उसमें सबसे ऊपर की कैटेगरी के मॉन्यूमेंट में ही कहूँगा हुमायूं टॉम्ब को। बहुत ही विशाल है और बहुत ही सुंदर है, और ये रेड सैंडस्टोन से बना है,
और ताज बना है वाइट मार्बल से, इसलिए थोड़ी सी उसकी ज़्यादा वो है, ये रेड सैंडस्टोन से बना है, लेकिन इसकी जो सुंदरता है, जो इसकी भव्यता है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो अब आप हम चल के देखते हैं हुमायूं टॉम को और फिर आपको बताते हैं हुमायूं टॉम के बारे में और इसकी जो हिस्ट्री है, ये कैसे बनाया और किसने बनवाया था। जो ये हुमायूं टॉम है, इसको बनवाने में जो जिसका मेन हाथ है, जिन्होंने इसको बनवाया था, वो थी हाजी बेगम, जिनको हामिदा बेगम के नाम से भी जाना जाता था, जो हुमायूं की वाइफ थी, उनकी बीवी थी। तो उन्होंने ये बनवाया था, जैसे ताजमहल को शाहजहाँ ने अपनी बेगम के लिए बनवाया था, दुनिया उसको जानती है यादगार के तौर पर, लेकिन मेरे को लगता नहीं ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि जो हुमायूं टॉम है, ये भी उनकी जो बीवी थी, उन्होंने उनकी याद में बनवाया था। तो जो हुमायूं थे, उनकी मृत्यु हुई थी 1556 में, लेकिन उनकी मृत्यु के 9 साल बाद 1565 में इसको बनाने का डिसीजन लिया गया था। और 1565 में उन्होंने पर्शिया से एक आर्किटेक्ट को बुलाया, मिर्ज़ा मीराक, उन्होंने इसका डिज़ाइनिंग करी और 7 साल में 1572 में जाकर हुमायूं टॉम कंप्लीट हुआ था। तो जो हुमायूं टॉम है, जो इसकी हाइट है वो लगभग 47 मीटर है और जो डोम की पूरी इसकी जो चौड़ाई है वो है लगभग 90-91 मीटर। और जो ये हुमायूं टॉम बना है, जो इसकी जो मेन जो प्लिंथ है, जो प्लेटफॉर्म है इसका, वो है 7 मीटर ऊंचा। तो ये ज़मीन से जो मेन 7 मीटर की ऊंचाई के ऊपर इस मॉन्यूमेंट को बनाया गया है और रेड सैंडस्टोन से बना है। और इसके मैंने बताया जैसे चारों तरफ इसके सिमेट्रिकल गार्डन है, तो और इसमें जो कब्र है वो हुमायूं की है, हाजी बेगम की है, और यहाँ पर ईसा खान और साथ में दारा शेखो करके हैं, उनकी भी कब्र यहाँ पर है उनके साथ। और वैसे जो ये हुमायूं टॉम जो है, पूरा कॉम्प्लेक्स है, इधर लगभग 150 कब्र हैं और ये काफ़ी बड़े एरिया में है हुमायूं टॉम जो है। यहाँ पे ईसा खान का जो है वो अलग से एक मॉन्यूमेंट है, तो उसको देखने के लिए और सारे इसको देखने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 घंटे का टाइम चाहिए इसको पूरा कम्प्लीट देखने के लिए हुमायूं टॉम को। ये जो हुमायूं टॉम का जो मैंने आपको बताया, ऊपर चढ़कर जो ये प्लेटफॉर्म है 7 मीटर ऊंचा, जहाँ पर हुमायूं टॉम ये बना हुआ है, यहाँ पर काफ़ी सारी कब्रें हैं। ये देखिए, ये लाइन से यहाँ पे 5 तो आपको इधर दिख रही होंगी, और ये देखिए कितनी सारी यहाँ पे कब्र बनी हुई है। तो ये सब जो मुग़ल सल्तनत के जो लोग थे, जो इनके रिश्तेदार और जो सब थे, ये उनकी सबकी यहाँ पर कब्रें बनी हुई हैं। और ये देखिए यहाँ पे गुरुद्वारा भी नज़र आ रहा है यहाँ से दूर। अभी बारिश का मौसम है, इस वजह से ग्रीनरी बहुत ही अच्छी हो रखी है यहाँ पे। इस टाइम गार्डन और जितने भी यहाँ पे पेड़ वगैरह हैं, एकदम लश ग्रीन है, लश ग्रीन। ये देखिए, जिनमें सिमेट्रिकल गार्डन की बात कर रहा था, ये देखिए गार्डन सब पीछे, ये सब यहाँ पे इतना बड़ा, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये दूर दूर तक आपको इसमें सारे में ये गार्डन नज़र आ रहे हैं, जो ये सब इस हुमायूं टॉम कॉम्प्लेक्स का ही पार्ट है। और जैसे मैंने आपको बताया ही था कि जो ये सिमेट्रिकल, इसके चारों तरफ गार्डन है और चारों तरफ फाउंटेन की लेन है, जो मैंने आपको फ्रंट साइड से दिखाई थी। अब ये इसकी ये साइड, ये ऊपर मैं इसके प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूँ और ये दूसरी वाली साइड है इसकी। और ये देखिए यहाँ पर भी ये बना हुआ है, जो है ये नीचे, ये पूरा वैसे फाउंटेन का वहाँ से, तो इसके चारों तरफ चारों दिशाओं में ऐसे फाउंटेन बने हुए हैं चारों तरफ। अब हम हुमायूं टॉम के जो मेन कॉम्प्लेक्स है डोम के अंदर, हम उसके अंदर खड़े हैं। और ये जो ये वाली कब्र आपको दिख रही है मेन, ये हुमायूं की कब्र है। और हम चल के और देखते हैं इधर यहाँ पे डोम के अंदर, ये मेन कॉम्प्लेक्स है, उसमें छोटे छोटे और कमरे बने हुए हैं। आइए चल कर देखते हैं और कमरों को। इस डोम के अंदर ऐसे 1, 2, 3, 4 टोटल 4 ऐसे, 4 दिशाओं में 4 कमरे हैं और 4 दिशाओं में 4 जाली हैं चारों तरफ। आइए हम इस कमरे को देखें। ये ऐसे कमरे हैं जैसे कोई भूल भुलैया हो,
अंदर आप आते हैं फिर आपको दो तीन डायरेक्शन मिल जाती है। इधर आइए, अब हम ये छोटे कॉम्प्लेक्स में आ गए, छोटे कमरे में, और ये यहाँ पर भी देखिए ये दो छोटी छोटी कब्र हैं। तो ऐसे इस कॉम्प्लेक्स में ऐसे कई कब्र हैं, मेन जो सेंटर में है वो हुमायूं की है, और ये सब अलग अलग उनके रिश्तेदार की और उनके जानकारों की कब्र है। तो यहाँ से भी ये जाली का वो है। अब यहाँ से हम घूम के निकलेंगे, तो ये हम घूम के उधर ही आ जाएंगे। अब हम फिर वहीं आ गए मेन एंट्रेंस पॉइंट पे घूम के, तो इसमें सब कुछ इस तरीके से बनाया गया घूम के, और आप उधर ही मेन सेंटर पॉइंट पे आ जाएंगे।